आईटी आएगा तो बहुत अच्छा शोलापुर में होगा। मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ और कोशिश भी जरूर करेंगे कि शोलापुर फिर से अच्छे से आबाद हो, अच्छे अच्छे फैक्ट्री यहाँ पे आए, यहाँ का लाइफस्टाइल में बहुत अच्छा बदलाव आए, मैं इसे प्रार्थना करती हूँ। साथ में आपको मालूम है नवरात्रि का पावन अवसर है, हरे हरेक जगह गली गली में दुर्गा माता के पंडल देखने को मिल रहा है और दुर्गा माता के कृपा से भी तो मैं ये प्रार्थना करती हूँ। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान किस तरीके से आज आगे बढ़ रहा है और शोलापुर को भी और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र में 9th मोस्ट पॉपुलस म्यूनिसिपैलिटी है, लेकिन जितना ग्रोथ होना है वो नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे सुबह से सुनने को मिल रहा है। लेकिन ज़रूर ऐसा अवसर आएगा, ज़रूर ऐसा बदलाव आएगा, मैं ये सोचती हूँ। అదేవిధంగా మరి తెలుగులో మా అక్క చెల్లెలు పొద్దు నుంచి ఆడి పాడుతూ ఉన్నాం, మళ్ళీ ఆడుకుందామా, రెడీయా పాడుకుందామా, ఓ ఒకసారి గట్టిగా ఓ, ఓకే సో షోలాపూర్ ఇస్ రెడీ టు డాన్స్, ఓకే థ్యాంక్ యూ, హ్యాపీ బతుకమ్మ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, హ్యాపీ దసరా ఇన్ అడ్వాన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, థ్యాంక్ యూ, జై తెలంగాణ, జై మహారాష్ట్ర, జై భారత్.